एवं इसके पश्चात इंग्लैंड में की गई थी। इन प्रयोगों में सभी रुधिर आदानों में सफलता नहीं मिल पाई है। रुधिर आदान के पश्चात रक्त लेने वाले व्यक्ति की कई बार मृत्यु होती है। इसका सही कारण 19वीं शताब्दी तक ज्ञात नहीं हो सका। इसके पश्चात ये पाया गया कि जिस क्रिया के दौरान कई बार लाल रक्ताणुओं में आश्लेषण या समूहन की क्रिया देखी जाती है, इससे रुधिर ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रुधिर के आश्लेषण या एग्लुटिनेशन की क्रिया लाल रक्ताणुओं में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा के संपर्क में आने पर होती है। इसे प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया कहते हैं। लाल रक्ताणुओं में उपस्थित पदार्थ प्रतिजन अर्थात प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडीज या एग्लुटिनिन कहलाते हैं। प्रतिजन अर्थात प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडीज या एग्लुटिनिन कहलाते हैं। एंटीजन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं तथा वे विशिष्ट एंटीबॉडीज के निर्माण बनते हैं तथा ये निश्चित प्रकार के एंटीजन से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं। एबीओ रुधिर बल मनुष्य के रुधिर में उपस्थित रक्ताणुओं आरबीसी में ए तथा बी प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तथा इसी प्रकार रुधिर प्लाज्मा में एंटी ए या ए तथा एंटी बी या बी प्रकार के एंटीजन विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। एंटीजन ए के एंटीबॉडी या ए ग्लुटिनिन के संपर्क में तथा एंटीजन बी के एंटीबॉडी या ए ग्लुटिनिन बी के संपर्क में आने पर लाल रक्ताणुओं के आश्लेषण अर्थात ए ग्लुटिनेशन क्रिया होती है। एंटीजन एवं एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों को ए बी तथा ओ वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ए बी रुधिर वर्गों की खोज सर्वप्रथम 1990 में विग्ना के रोग वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि ओ रुधिर वर्ग की खोज देखिए ए बी की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, जबकि ओ रुधिर वर्ग की खोज 1910 में डी कास्टेलो एवं स्टर्ली ने की थी। आगे आते हैं टाइप ए ब्लड टाइप बी ब्लड। टाइप ए में क्या होता है एनडीबी। ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन बी पाए जाएंगे, बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए पाए जाएंगे। टाइप ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन पाए जाएंगे, ओ में एनडीए एनडीबी ऐसे पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो ए रुधिर वर्ग के मनुष्यों की लाल रक्ताणुओं में एंटीजन ए तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है। बी रुधिर वर्ग के मनुष्यों की लाल रक्ताणुओं में एंटीजन बी तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होता है। ए बी रुधिर वर्ग के मनुष्यों की लाल रक्ताणुओं में ए तथा बी एंटीजन होते हैं, किंतु इनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ वर्ग के मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, किंतु इनके प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं। निम्नलिखित तालिका में ए बी ओ रुधिर वर्गों में उपस्थित एंटीजन एंटीबॉडी प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए मनुष्य में उपस्थित रुधिर वर्ग ए है तो इसमें एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगी बी। अगर बी है तो एंटीजन होगा बी लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो होगी ए। ठीक है, ए बी है तो इसमें होगा एंटीजन ए तथा बी एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ में एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है या ए। उक्त रुधिर वर्गों के अध्ययन से पता चला कि वर्ग ए का रुधिर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिनके रुधिर में एंटीबॉडी ए उपस्थित हो, अर्थात ए एवं ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। इसी प्रकार बी वर्ग का रुधिर ए तथा बी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ए बी वर्ग का रक्त मात्रा ए बी वाले
व्यक्तियों को दिया जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्गों में कोई ना तो एक ग्लूटिनिन या एंटीबॉडी उपस्थित होती ही है। ओ वर्ग रुधिर को ओ के साथ ही अन्य वर्गों के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ग्लूटिनोजन या एंटीजन का अभाव होता है। ओ वर्ग के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता तथा ए बी वर्ग के व्यक्ति को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। रुधिर के संभावित आदान प्रदान को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। रक्तदाता एवं ग्राही समूह सारणी। रक्तदाता समूह ए है तो ग्राही कौन कौन हो सकता है? ए और ए बी। बी है तो ग्राही होगा ए बी और ए बी। ए बी है तो ए बी को ही देगा। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये ओ ए बी ए बी किसी को भी दे सकता है। और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है। रुधिर वर्गों की वंशागति एक जीन युग्म से निर्धारित की जाती है। इन जीन के तीन एलील होते हैं। ये जीन्स ए ग्लूटिजोन्स या एंटीजेंस का संश्लेषण नियंत्रित करते हैं। आई ए जीन ए ग्लूटिनोजन ए उत्पन्न करता है, आई बी जीन ए ग्लूटिनोजन बी उत्पन्न करता है, ठीक है। रक्त समूह ए जीनी संरचना आई ए द्वारा निर्धारित किया जाता है। रक्त समूह बी जीनी संरचना आई बी बी या आई बी आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी जीनी संरचना आई ए आई बी द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा रक्त समूह ओ जीनी संरचना द्वारा निर्धारित किया जाता है। आई ए आई बी जीन तथा आई बी एक दूसरे के प्रति ना तो प्रभावी हैं और ना ही अप्रभावी होते हैं, जबकि आई ए जीन आई बी व आई बी के साथ होने पर अप्रभावी होता है। ये देखिए टेबल है, रुधिर वर्गों का संभावित आदान प्रदान आश्लेषण एवं जीनोटाइप, ठीक है। ये किसके साथ आश्लेषण करेगा? बी और ओ के साथ। ये देखिए जिसमें प्लस साइन है वो पॉजिटिव है वो, और नेगेटिव यानी कि वो नहीं करेगा। किस वर्ग को दिया जा सकता है, किस वर्ग से रुधिर लिया जा सकता है और इसके जीनोटाइप। अब हम देखते हैं आरएच कारक क्या होता है, यानी कि आरएच फैक्टर। सन 1940 में लैंड स्टेनर तथा वीनर ने रीसस बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं में एक अन्य कारक का पता लगाया तथा इसे आरएच कारक या आरएच एंटीजन नाम दिया गया। आरएच संकेत का प्रयोग रीसस शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी कारक को कई मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं में भी देखा जाता है। जिन मनुष्यों के लाल रक्ताणुओं में आरएच एंटीजन होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें उनका अभाव होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। विश्व में लगभग 85% जन समुदाय के लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, जबकि शेष 15% में ये कारण अनुपस्थित रहता है, अर्थात ये आरएच नेगेटिव होते हैं। भारतीय जनसंख्या में 90% लोग आरएच पॉजिटिव तथा 77% आरएच नेगेटिव होते हैं। आरएच नेगेटिव व्यक्ति के रुधिर में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है जो आरएच कारक के साथ प्रतिक्रिया दर्शाती है, परंतु ये एंटीबॉडी ऐसे व्यक्ति के शरीर में आरएच कारक की उपस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति प्रथम बार आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर प्रवेश कराया जाए तो प्रथम संचरण में एंटीजन एंटीबॉडी की अग्लूटिनेशन क्रिया नहीं होती है, परंतु उसी ग्राही को यदि कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों के पश्चात पुनः आरएच पॉजिटिव रुधिर का संचरण किया जाए तो एंटीबॉडी की अत्याधिक संख्या होने के कारण ग्राही के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी की ग्लूटिनेशन क्रिया होती है जिससे मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार आरएच नेगेटिव कारक के कारण कई बार जन्म के समय बच्चे की मृत्यु भी देखी जाती है। इसी प्रकार की स्थिति आरएच नेगेटिव
प्रति सुग्राही हो जाती है। गर्भ के अंदर विकास के समय भ्रूण की कुछ कोशिकाएं माता के प्रथम संतान सामान्य होती है। यह देखा गया है कि माता के सुग्राही बनाने के लिए कम से कम एक संगवर्धा आवश्यक है। इस स्थिति में माता के एंटीबॉडी अपरा द्वारा विकासशीलता भ्रूण में पहुंचकर उनकी लाल हृदय कणिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। यह क्षति भ्रूण की लाल रक्ताणुओं के एग्लुटिनेशन या हीमोलाइसिस के रूप में होती है। इसके फलस्वरूप इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक रोग हो जाता है। यह रोग घातक होता है कि जन्म से पहले ही अथवा जन्म के कुछ दिनों बाद ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। देखो आरएच का भ्रूण आरएच कारक युक्त रक्ताणु द्वारा माता के रुधिर में प्रवेश करना। आरएच पॉजिटिव पिता है, जब ये आरएच नेगेटिव माता से मिला तो जो भ्रूण बनेगा वो आरएच पॉजिटिव बनेगा। आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी उत्पन्न करना माता के द्वारा उत्पन्न आरएच, ठीक है। गर्भकाल के समय आरएच की क्रिया विधि, आरएच क्रिया संवर्धन, चोट लगने पर उस भाग में उपस्थित उत्तर की रुधिर कोशिकाओं तथा वाहिनियां टूट जाती हैं, जिससे रक्त बाहर निकलने लगता है और थोड़ी देर में स्वतः ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। मनुष्य में रक्त का यदि नमूना लिया जाए तो वो 3 से 10 मिनट औसतन 6 मिनट के बाद जेली समान गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जमे हुए इस रक्त को थक्का कहा जाता है। कभी कभी बिना किसी चोट के भी सामान्य रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। इस प्रकार रक्त वाहिनियों में अंदर रुधिर के थक्का बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इसे इम्बोलस कहा जाता है। यदि इम्बोलस किसी वाहिनी में फंसकर रुधिर संचरण को बंद करता है तो इसे इम्बोलिज्म कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। रक्त स्कंदन कारक, रक्त स्कंदन कारक एक या फाइब्रिनोजन। विर्जोफ ने फाइब्रिनोजन के रक्त स्कंदन कारक खोजा था। ये रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसका अणु भार कितना है? 24,000 होता है। ये यकृत के द्वारा उत्पन्न होती है तथा प्लाज्मा में घुलनशील होती है। रक्त के थक्का बनने के समय ये एक अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनिन में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं कारक दो या प्रोथ्रोम्बिन। इसे सर्वप्रथम स्किमिडिट ने खोजा था। यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होती है। इसका अणु भार 69,000 होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। इसके लिए विटामिन के आवश्यक होता है। रुधिर स्कंदन के समय प्रोथ्रोम्बिन एक थ्रोम्बिनन सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। इसका अणु भार थ्रोम्बिना का 33,000 होता है। कारक तीन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये लिपोप्रोटीन होता है जो थ्रोम्बोसाइट्स एवं ऊतकों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसका रुधिर स्कंदन क्रिया का कारक स्किमिड ने खोजा था। वह ऊतकों में एक निष्क्रिय पदार्थ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है। कारक चार या कैल्शियम आयन। ये रुधिर स्कंदन में एक सतह कारक के रूप में कार्य करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक के निर्माण तथा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक होता है।
आगे देखते हैं कारक पांच या प्रो एक्सेलरेट। ओवरेन ने खोजा था, ये एक ताप अस्थिर पदार्थ है जो कुछ ताप द्वारा सरलता से नष्ट किया जा सकता है। ये भी प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होता है। कारक छह या एक्सेलरिन, यह प्रो एक्सेलरिन का एक परिकल्पित सक्रिय उत्पाद है। इसको अब कोई मान्यता नहीं तथा यह रुधिर स्कंदन क्रिया विधि में योगदान नहीं देता है। कारक सात या प्रो कन्वर्टिन, यह एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका अणुभार 60,000 होता है। इसके संश्लेषण हेतु विटामिन के आवश्यक होता है। ये भी यकृत में बनता है। ये चोट ग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकालने में सहायक होता है। कारक आठ या एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार कितना होता है 11,00,000 होता है। ये भी यकृत द्वारा निर्मित होता है। इसकी कमी से चोटग्रस्त भाग से लगातार रुधिर बहने लगता है जिसे हम क्या कहते हैं हीमोफीलिया विकार कहा जाता है। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन अगर नहीं हो गया तो रक्त रुकेगा नहीं चोट लगने पर, जिसे बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। कारक नौ या क्रिसमस कारक, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 55,400 होता है। ये भी यकृत के द्वारा निर्मित होता है। इसके संश्लेषण हेतु भी विटामिन के आवश्यक है। इसे प्लेटलेट सहकारक या ऑर्थोथ्रोम्बिनिन भी कहते हैं। ये सक्रिय होता है तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन में निर्माण में सहायता करता है। आगे देखते हैं कारक 10 या स्टुअर्ट कारक, यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 55,000 होता है तथा विटामिन के की उपस्थिति में यकृत के द्वारा संश्लेषित होता है। ये प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, परंतु थक्का बनते समय ये क्रिसमस कारक कन्वर्टिन कैल्शियम आयन एवं एंटी हीमोफिलिक कारक की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। इसकी कमी से नाक जोड़ों तथा कोमल ऊतकों में लगातार रक्त प्रवाह होने लगता है। कारक 11 या प्लाज्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 1,60,000 होता है। ये भी यकृत के द्वारा निर्मित होता है। ये हॉगमैन कारक द्वारा सक्रिय होता है तथा थ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया सी होता है। इस स्थिति में मनुष्य एवं स्त्री दोनों के ही चोटग्रस्त स्थान से अधिक रक्त स्राव होता है। कारक 12 या हेगमैन कारक, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार लगभग 90,000 होता है। इसे संस्पर्शक कारक भी कहते हैं। ये प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में मिलता है। ये रुधिर वाहिनी की क्षतिग्रस्त दीवार से संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है। ये थ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करता है। इसकी कमी से रक्त स्कंदन में अधिक समय लगता है। कारक 13 या फाइब्रिन स्थरकृत कारक, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 3,20,000 होता है। ये कैल्शियम आयन के साथ विलयशील फाइब्रिन को अविलयशील फाइब्रिन में रूपांतरित करता है। रक्त स्कंदन कारक, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, प्रोएक्सिलरिन, एक्सिलिन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, क्रिसमस कारक, स्टुअर्ट कारक, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, हेगमैन कारक, फाइब्रिन स्थिरकृत कारक। अब देखते हैं रक्त के थक्का बनने की क्रिया विधि। रक्त का थक्का बनना एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। सामान्य परिस्थितियों में रक्त वाहिनी में रक्त के बहने के लिए प्लाज्मा में हिपेरिन नाम प्रतिस्कंदी पदार्थ उपस्थित रहता है। हिपेरिन का काम क्या होता है, ये रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है हिपेरिन, ठीक है। थक्का बनाने की क्रिया में रुधिर में विलयशील रुधिर प्रोटीन फाइब्रिनोजन अविलयशील रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित होती है। रुधिर के थक्का जमने की क्रिया को तीन पदों में समझाया जा सकता है।
का निर्मुक्त होना। यह क्रिया स्कंदन की क्रिया में प्रथम पद होता है। शरीर की रक्त वाहिनियों में रुधिर के परिवहन के समय थ्रोम्बोप्लास्टिन अनुपस्थित रहता है। चोटग्रस्त भाग के क्षतिग्रस्त ऊतकों में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त रुधिर कोशिकाओं से निकली हुई रुधिर प्लेटलेट्स कोशिकाएं भी विघटित होकर एक फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट्स तत्व को मुक्त कराती हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अगली स्टेप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन रुधिर प्लाज्मा उपस्थित एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है। ये प्रथम पद से प्राप्त एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज एवं कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाती है। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। फाइब्रिनोजन रुधिर में उपस्थित एक विलयशील प्रोटीन होती है। रक्त स्कंदन के अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके फाइब्रिनोजन के मोनोमर्स के बहुलीकरण में फाइब्रिन नामक अघुलनशील पॉलीमर अणु में बदल जाता है। आधुनिक मत के अनुसार प्रारंभ में फाइब्रिन के अणु घुलनशील होते हैं, किंतु कैल्शियम आयन तथा फाइब्रिन कारक की उपस्थिति में ये
एफ1 और प्लाज्मा प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा थ्रोम्बिन। अब देखते हैं तीसरे पद में प्लाज्मा, बोला था। इस सिद्धांत के अनुसार स्तनियों में रक्त स्कंदन क्रिया
पूर्ण होती है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण, फाइब्रिनोजन पर थ्रोम्बिन की क्रिया। इस मत के अनुसार रुधिर वाहिनियों के क्षतिशमीग्रस्त होने पर ऊतकी कोशिकाएं सिफेलिन प्रोटीन को बाहर निकालती हैं। यह प्रोटीन रुधिर में उपस्थित एंटी थ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देती है। इसके निष्क्रिय होने पर कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। अंत में थ्रोम्बिन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देती है। देखिए रुधिर क्या प्लाज्मा कणिकाएं, लाल कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं, प्लेटलेट्स बनाएंगे सिफेलिन प्रोटीन, जिसका निष्क्रियकरण होकर बनता है एंटी थ्रोम्बिन। फिर ये बनाएगा कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, जो बनाएगा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से बनेगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन और वो बनाएगा फाइब्रिन का थक्का। आगे देखते हैं फ्लूड एंड स्पायरो का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार चोट लगने पर रक्त प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम बाहर निकलता है। कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में उपस्थित थ्रोम्बोनिन पर क्रिया करके उसे थ्रोम्बिन में बदल देता है। देखिए रक्त फाइब्रिनोजन के साथ प्लाज्मा रक्त कणिकाएं से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकलता है, जो कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रिन का फाइब्रिनोजन के साथ प्लाज्मा फाइब्रिन का थक्का बनाएगा और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। यह फ्लूइड इंस्पायरो द्वारा रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। अब देखते हैं स्कंदन का सिद्धांत। प्रत्येक प्राणी के जीवन काल में रुधिर का स्कंदन या थक्का बनना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्षतिग्रस्त स्थान से रुधिर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। यदि शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में रुधिर निकले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए रुधिर का थक्का बनना जरूरी होता है। ठीक है, जिनका रुधिर थक्का बनाने में असमर्थ होता है या फिर ये क्रिया इनमें धीरे धीरे होती है कि थोड़ी चोट लगने पर घातक रूप से अत्यधिक रक्त बाहर निकलता है, इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित एक अप्रभावी जीन द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हृदय की। देखिए हृदय स्तनियों में हृदय गहरे गुलाबी रंग का त्रिभुजाकार या शंकावार खोखला व मांसल अंग होता है। ये भ्रूण के मीजोडर्म स्तर से विकसित होता है। होता क्या है, शरीर हृदय शरीर के वक्ष भाग के मध्यावकाश में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। पक्षियों में हृदय अत्यंत जंतु की तुलना के अधिक बड़ा होता है। मछलियों में अपेक्षाकृत छोटा हृदय होता है, जो संपूर्ण शरीर का लगभग 0.2% भाग बनाता है। एम्फीबियंस में हृदय का परिमाण लगभग 0.46% होता है। रेप्टाइल्स में यह शरीर का 0.15% भाग बनाता है। व्यस्क मनुष्य में हृदय का भार 300 ग्राम होता है। आगे देखिए हृदय के ऊपरी हृदयावरण अर्थात पेरिकार्डियम नामक पारदर्शी आवरण होता है, जो वास्तव में सिलोमिक झिल्ली का ही भाग होता है। हृदयावरण का हृदय से सटा भीतरी भाग एपिकार्डियम तथा बाहरी भाग पेरिकार्डियम कहलाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य एक लसदार द्रव्य पेरिकार्डियम द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य का कार्य क्या होता है, हृदय को नम रखना, बाहरी चोटों से बचाना, हृदय स्पंदन के समय उत्पन्न होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव से बचना, हृदयावरण के सुकड़ने की स्थिति में स्पंदन के अवरोध उत्पन्न नहीं होने देता। हृदय की बाहरी संरचना। स्तनियों के हृदय चार कक्षी होता है, जिसमें अगले चौड़े भाग पर दो आलिंद तथा पिछले सकरे भाग पर दो निलय आकार में भिन्न होते हैं। दाहिना निलय बाएं निलय से अपेक्षाकृत छोटा होता है, क्योंकि निलयों की विभाजन पट्टिका तिरछी होती है। आलिंद की दीवार पतली एवं कम मांसल होती है, क्योंकि इनमें रुधिर को पंप करने की आवश्यकता नहीं होती।
नलियों की दीवार मोटी एवं अधिक मांसल होती है। स्तनियों के दाहिने आलिंद में दो अग्र महाशिराएं एवं एक पश्च महाशिरा खुलती है। ये महाशिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर एकत्र करके दाएं नलिंद में लेकर आती हैं। इसी प्रकार बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिराएं द्वारा फुफ्फुस से लाया गया शुद्ध रुधिर एकत्रित किया जाता है। दाहिने निलय में फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस में शुद्धिकरण के लिए लेकर आता है। इसी प्रकार बाएं निलय में एक कैरोटिकोसिस्टमेट चाप निकलता है जो शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। ये है हृदय का पृष्ठ तल डायग्राम। ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की क्षैतिज अनुबंध काट में इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। हृदय की भित्ति मुख्यतः हृदय पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां शाखान्वित, रेखित तथा अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। इस भित्ति को पेशी हृदय स्तर पर मीजोकार्डियम कहते हैं। हृदय के दाहिने आलिंद में पृथक पृथक छिद्रों द्वारा अग्र एवं पश्च महाशिराएं खुलती हैं। पश्च महाशिरा के छिद्र पर एक यूस्टेकिन कपाट उपस्थित रहता है। दोनों आलिंदों के मध्य उपस्थित अंतरा आलिंद पट्टी पर एक अंडाकार आकृति का गड्ढा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। भ्रूणावस्था में इस स्थान पर फोरामेन ओवेलिस नामक छिद्र उपस्थित होता है जो फुफ्फुस के क्रियाशील होने पर बंद हो जाता है। आगे देखिए, आलिंद एवं निलय को नियम को निलय को पृथक करने वाली पट्टी की आलिंद नियम पट्टी कहते हैं। दाया आलिंद एक आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में खुलता है। इस प्रकार एक त्रिदली या ट्राइकस्पिड कपाट उपस्थित रहता है। इस प्रकार बाया आलिंद एक आलिंद निलय छिद्र द्वारा बाएं निलय में खुलता है। इस पर एक द्विदली या बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल उपस्थित रहता है। ये देखिए डायग्राम, हृदय की दीवार पर विशिष्ट संवहनी ये क्या है? बाया आलिंद, यह आलिंद निलय गुंडी, ये क्या है? बंडल ऑफिस यानी इसका समूह। ये क्या है आपका? बाया निलय, बाया निलय ये क्या है आपके? पुरकिंजे के तंतु। ठीक है, ये दाहिना निलय, ये आपका क्या है? दाहिना आलिंद, और ये शिलहृदा आलिंद गुंडी, ये हृदय की दीवार पर विशिष्ट संवहनी। आगे देखते हैं हृदय चक्र के बारे में। हृदय एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण जीवन बिना किसी आराम के संकुचन की क्रिया दर्शाता है। हृदय के नियमित या क्रमिक संकुचन को धड़कन या स्पंदन कहते हैं। प्रत्येक स्पंदन में दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रकुंचन या सिस्टोल कहलाती है जिसमें हृदय का संकुचन होता है। द्वितीय अवस्था अनुशीतलन या डायस्टोल होती है जिसमें हृदय में प्रसरण होना या पुनः पूर्व स्थिति में आता है। सिस्टोल अवस्था में हृदय रक्त को विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां अर्थात धमनियों में पंप करता है, जबकि अनुशीतलन या डायस्टोल अवस्था में विभिन्न दैहिक अंगों में रक्त लाने वाले शिराएं अपना रक्त इसमें डालती। हृदय अपनी क्रिया विधि में एक पंप की तरह कार्य करता है। इसके विभिन्न भागों का स्पंदन एक नियमित क्रमिक अवस्था में होता है जिसे हृदय चक्र अर्थात कार्डियक चक्र अलग अलग होता है। देखिए, एक हृदय चक्र का समय आलंदी प्रकुचन 0.1 सेकंड के लिए होता है, आलंदी शीतलन 0.7 सेकंड के लिए, निलय प्रकुचन 0.3 सेकंड के लिए, निलय शीतलन
से शुद्ध रक्त प्राप्त कर इसे पूर्ण शरीर में पंप करता है, अर्थात हृदय का दायां भाग पल्मोनरी हृदय की भांति कार्य करता है। इस प्रकार स्तनियों के हृदय में रुधिर दायां लिंग में आता है। दूसरी बार यही रुधिर शुद्धिकरण के पश्चात बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय में रुधिर के परिसंचरण को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए ये डायग्राम याद रखिएगा। देखिए केरेटिको सिस्टेमेटिक महाधमनी से धमनियों में जाएगा, फिर आएगा अंगों में, शिराओं में, अग्र एवं पश्चिम महाशिराओं में, दायां आलिंद, दायां निलय, पल्मोनरी महाधमनियां एवं धमनियां, फिर वहां से वापस आ जाता है कभी कभी दाएं निलय में, फिर फेफड़ों में, फिर पल्मोनरी शिराओं में, फिर बायां आलिंद, फिर बायां निलय, केरेटिको सिस्टेमेटिक महाधमनियों में। अब हम देखते हैं हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट के बारे में। हृदय में नियमित स्पंदन का गुण होता है। हृदय का ये गुण भ्रूणी अवस्था में भी पाया जाता है, जबकि तंत्रिका ऊतक का इससे कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हृदय में संकुचन का प्रारंभ मायोजेनिक प्रकार का होता है। मनुष्य के हृदय की समानता 1 मिनट में 42 बार, 1 दिन में 10,000 बार तथा 1 साल में 40 लाख स्पंदन करता है। किसी स्वस्थ मनुष्य का हृदय 70 वर्ष की आयु तक 2,80,00,000 बार धड़क लेता है तथा कम से कम 1,55,00,000 लीटर रक्त पंप कर देता है। उपरोक्त आंकड़ों में यदि हृदय के द्वारा किए गए कार्य को आंका जाए तो ये 10,160 किलोग्राम वजन को 16 किलोमीटर ऊंचाई को उठाने के बराबर होता है। इससे पता चलता है कि एक छोटे अंग होने के बावजूद भी ये काफी भारी कार्य करने में सक्षम होता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन या धड़कन में एक प्रकुंचन या सिस्टोल तथा एक शीतलन या डायस्टोल होता है। हृदय की धड़कन की दर अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। यही नहीं, एक ही प्राणी में विभिन्न परिस्थितियों में हृदय धड़कन की दर भिन्न होती है। प्रायः ये भी देखा जाता है कि छोटे जंतुओं की धड़कन की बड़े जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने आज परिसंचरण की कार्य की चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, एक तो पहले आप ABO रक्त समूह का आधार क्या है, ठीक है, रक्त के कार्य पूछ सकते हैं। दूसरा, रक्त दाब से आप क्या समझते हैं, रक्त के संगठन का वर्णन कीजिए, रक्त स्कंदन के कारकों को समझाइए, ठीक है, रक्त के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।